आज वैश्विक महिला दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी श्रृंखला में नागपुर पुलिस मुख्यालय में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंघल ने मौजूद सभी महिला कर्मचारियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। आज 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यह महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाने वाला एक उत्सव है। इससे आधुनिक समय में महिला अधिकारों की प्रोत्साहन, समाज में समानता के लिए लड़ाई और महिलाओं की उपलब्धियों की उन्नति के लिए समर्पित किया जाता है। इसी श्रृंखला में नागपुर पुलिस मुख्यालय में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंघल ने मौजूद सभी महिला कर्मचारियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। इस समय बड़ी संख्या में विभिन्न संभाग एवं विभागों की महिला पुलिस कर्मचारी मौजूद थी। नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के बाद हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम ले रहा है। इतना ही नहीं तो शहर में गंभीर गुनाहों की बढ़ती तादाद को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस कर्मियों को अपराध सूचीबद्ध कर टास्क दिए गए हैं, जिसके विषय में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंघल ने बताया कि आज आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में साइबर गुनाह, मानव तस्करी आदि गंभीर गुनाह पर व्याख्यान दिए गए, तो वहीं भविष्य में शहर सुरक्षा के विषय में चर्चा की गई, तो वहीं महिला कर्मियों को विभिन्न टास्क दिए गए हैं और साथ ही उन्हें पुलिस फोर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि महिला शक्ति का संदेश चरितार्थ हो। और सभी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मा देते हुए उन्होंने विश्वास जाहिर किया। आप सभी ने सुना और मुझे ऐसा लगता है, कई लोग बोलते हैं कि महिला दिवस की क्या ज़रूरत है या किसी भी दिन की क्या ज़रूरत है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि ये दिन होने चाहिए, मनाना चाहिए इनको। वो इसलिए कि हमें याद रखना चाहिए कि किस कहाँ पे थे हम और आज कहाँ पे हैं, हम में अभी क्या कमियाँ हैं, हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हम लोग किन चीज़ों में कम पड़। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।